ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल दीवा एक शक्ति में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जम्मू के वो पांच रहस्यमय गुफाएं जिनमें छुपा है राज। जी हाँ, जम्मू कश्मीर जिसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, प्राचीन काल से इसका आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रहा है। शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और दूसरे कई अन्य पुराणों में इसका कई जिक्र भी हुआ है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ पर देवासुर संग्राम भी हुए थे, जहाँ देवताओं ने असुरों को बुरी तरह से पराजित किया था। यहाँ के कई मंदिर और मज़ार आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सैनिकों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका रहस्य आज भी कोई नहीं जान सका है। आइए जानते हैं जम्मू की ऐसी पांच गुफाओं के बारे में जिसमें छुपा है गहरा राज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो तुरंत मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारी और कहानी हम अपने वीडियो द्वारा अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है शिव खोड़ी। जी हाँ, शिव खोड़ी गुफा में साक्षात विराज हैं शिव। शिव खोड़ी गुफा के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणपति के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। रसाई जिले में स्थित इस गुफा की लंबाई तकरीबन 150 मीटर है। गुफा में भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजमान है। ईश्वर का चमत्कार देखने के लिए इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक स्रोत की जलधारा गिरती रहती है। मान्यता यह है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इसका उद्देश्य भस्मासुर को सबक सिखाना था। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि एक सीमा के आगे जो भी गया वह फिर गुफा से लौट कर नहीं आ पाता। ऐसी मान्यता है कि गुफा से निकलकर एक रास्ता अमरनाथ तक भी जाता है। चलिए, दूसरी गुफा है पीरखो गुफा। जी हाँ, जम्मू की इस गुफा को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है। कई पीर फकीरों और ऋषि मुनियों के इस गुफा में तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीरखो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। तीसरी है गर्भजून गुफा, जहाँ पर वैष्णो देवी माता के मंदिर पर स्थित है। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग में एक प्राचीन गुफा है जिसे गर्भजून गुफा कहते हैं। इस गुफा की बनावट ऐसी है जैसे कि माता का गर्भ हो। कहते हैं कि इस गुफा में देवी त्रिकुटा, जिन्हें माता वैष्णो देवी कहते हैं, उन्होंने 9 महीने निवास किया था। इसके बाद देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। मान्यता है कि इस गुफा मार्ग से जाकर जो भक्त देवी के दर्शन करता है उसे गर्भ में लौटकर नहीं आना पड़ता। चौथी है वैष्णो देवी की गुफा। जी हाँ, चूना पत्थर से बना माता वैष्णो देवी की गुफा भी अपने में रहस्य का संसार छुपाए हुए है। इस गुफा में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों देवियों का पिंड रूप में निवास माना जाता है। वैष्णो देवी गुफा में मंदिर का प्राचीन मार्ग साल के में कुछ दिनों के लिए ही खुलता है। कहते हैं कि इस गुफा में और इस गुफा के मार्ग में पतली जलधारा प्रभावित होती रहती है। यह गंगा की धारा है। गुफा का रास्ता काफी संकरा है, फिर भी दुबले से दुबला और मोटे से मोटा व्यक्ति इस गुफा के मार्ग से माता के दरबार तक पहुंच जाता है। पांचवी है अमरनाथ गुफा। जी हाँ, अमरनाथ गुफा का रहस्य क्या है? भगवान शिव की रहस्यमय गुफा
में से एक अमरनाथ गुफा भी है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। इस गुफा में हर साल बर्फ से बनने वाला शिवलिंग एक आश्चर्य का विषय है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा में एक हैरान करने वाली बात यह है कि गुफा में शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि नीचे फैला बर्फ कच्चा होता है। दोस्तों, अगर आप भी रहस्यमय गुफाएं देखना चाहते हैं तो ये पांचों गुफाएं जो हैं जम्मू में स्थित हैं। आप जम्मू आइए और इन पांचों रहस्यमय गुफाओं के दर्शन कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा चैनल और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।